बच्चों अब हम इस पाठ के प्रश्न क्रमांक एक को करेंगे जो है निम्नलिखित शब्दों के अर्थ पुस्तक में दिए शब्दकोश से खोजकर लिखिए। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं बच्चों कुछ हमें शब्द दिए हैं, इन शब्दों के अर्थ हम एक एक करके लिखते हैं बच्चों। बच्चों आग्रह का अर्थ है अनुरोध, लांछित का अर्थ है कलंकित, श्रेष्ठ का अर्थ है अति उत्तम, दुर्लभ का अर्थ है बच्चों कठिनाइयों से मिलने वाला, आघात का अर्थ है प्रहार, आचरण का अर्थ है बच्चों चरित्र, सुरक्षित का अर्थ है अच्छी तरह से रक्षा किया हुआ, शिष्ट का अर्थ है शुद्ध आचरण वाला, अपशब्द का अर्थ है गाली, प्रतिष्ठा का अर्थ है गर्व, मुग्ध का अर्थ है मोहित, वर्जित का अर्थ है मनाही होना, निषिद्ध का अर्थ है रोका गया, पुस्तकालय का अर्थ है पुस्तकें रखने का स्थान। इस प्रकार से बच्चों इस प्रश्न को आप हल कर सकते हैं। बच्चों अब हम इस पाठ के प्रश्न क्रमांक दो को हल करेंगे जो है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। जैसा कि हम यहाँ देख रहे हैं हमें कुछ प्रश्न दिए, इन प्रश्नों के उत्तरों को हम एक एक करके देख लेते हैं बच्चों। प्रश्न क्रमांक दो का जापान की यात्रा कौन कर रहा था? उत्तर, जापान की यात्रा हमारे देश के महान संत स्वामी रामतीर्थ कर रहे थे। प्रश्न क्रमांक था, स्वामी रामतीर्थ के लिए फल कौन लेकर आया था? उसने फलों का क्या मूल मांगा? उत्तर, स्वामी रामतीर्थ के लिए फल एक जापानी युवक लेकर आया था। उसने फलों के मूल के रूप में स्वामी जी से कहा, आप इनका मूल देना ही चाहते हैं तो अपने देश में जाकर यह नहीं कहना कि जापान में अच्छे फल नहीं मिलते। ग, हमारे द्वारा अच्छा या बुरा कार्य करने का हमारे देश पर कैसा प्रभाव पड़ता है? उत्तर, जब हम कोई अच्छा कार्य करते हैं तो इससे हमारा ही नहीं हमारे देश का सिर ऊंचा होता है, और जब हम कोई बुरा कार्य करते हैं तो इससे हमारे देश के मस्तक पर कलंक का टीका लग जाता है। घ, यदि आप उस जापानी युवक की जगह होते तो क्या फलों का मूल लेते? सोचकर लिखिए। उत्तर, यदि हम उस जापानी युवक की जगह होते तो फलों का मूल नहीं लेते, क्योंकि तब बात हमारे देश के गौरव की थी। अड़ा, जब हम कोई श्रेष्ठ कार्य करते हैं तो क्या होता है? उत्तर, जब हम कोई श्रेष्ठ कार्य करते हैं तो उससे हमारा ही सिर नहीं ऊंचा होता बल्कि देश का भी सिर ऊंचा होता है और उसका गौरव बढ़ता है। चा, हम अपने देश की तुलना दूसरे देशों से किस आधार पर करते हैं? उत्तर, हम अपने देश की तुलना दूसरे देशों से उसके श्रेष्ठता या हीनता के आधार पर करते हैं। बच्चों अब हम इस पाठ के प्रश्न क्रमांक तीन को हल करेंगे जो है सही विकल्प चुनिए। तो यहाँ पर हमें एक प्रश्न दिया है जैसा कि हम यहाँ देख सकते हैं का जापानी युवक के किस व्यवहार से उसके देश का सम्मान बढ़ा। तो यहाँ हम देख सकते हैं हमें चार विकल्प दिए हैं बच्चों, इन चारों विकल्पों में से एक विकल्प में हमें टिक लगाना है। ठीक है बच्चों, तो जो पहला विकल्प है बच्चों हमारा वो है वह संत के लिए फल ले आया, दूसरा है उसने फलों का मूल नहीं लिया, तीसरा है वह नहीं चाहता था कि स्वामी जी अपने देश में बताएं कि जापान में अच्छे फल नहीं मिलते, और चौथा है वह संतों का आदर करता था। तो इसमें से बच्चों जो तीसरा वाला विकल्प है वो सही होगा कि वह जापानी युवक नहीं चाहता था कि स्वामी जी अपने देश में जाकर ये बताएं कि जापान में अच्छे फल नहीं मिलते जिससे कि उसके देश की प्रतिष्ठा कम हो। ठीक है बच्चों, तो ये तीसरा वाला है वो उत्तर सही है हमारा, वो वाला विकल्प खा वाले को करेंगे। ये है दूसरे देश के युवक के किस कारण ने देश का सम्मान घटाया। तो यहाँ पर हमें चार विकल्प दिए हैं, जो पहला विकल्प है बच्चों हमारा वो है उसने केला खाकर छिलका सड़क पर फेंका, नहीं ऐसा नहीं था। दूसरा है उसने पुलिस से बुरा व्यवहार किया, नहीं ऐसा भी नहीं था। तीसरा है पुस्तकालय की पुस्तक से दुर्लभ चित्र चुराए थे, हाँ उस युवक ने पुस्तकालय की पुस्तक से दुर्लभ चित्र चुराए थे, यही वाला हमारा सही ऑप्शन है, सही विकल्प है, इस पे हम टिक कर देंगे बच्चों। बच्चों अब हम इस पाठ के प्रश्न क्रमांक चार को हल करेंगे जो है दिए गए इस वाक्यों में सही गलत का निशान लगाइए। तो जो पहला हमारा वाक्य है बच्चों वो है
निमंत्रित होने पर सही समय पर पहुंचना चाहिए। तो किसी ने हमें निमंत्रण दिया है बच्चों, तो हमें जाहिर सी बात है सही समय पर पहुंचना चाहिए। तो ये वाला फर्स्ट वाला जो अपना वाक्य है वो सही है बच्चों। दूसरा है, केला खाकर छिलका रास्ते पर फेंकना चाहिए? नहीं नहीं बिल्कुल ऐसा नहीं करना चाहिए, केला खाकर छिलका रास्ते पर नहीं फेंकना चाहिए। उससे क्या होगा बच्चों, कोई दूसरा व्यक्ति उस पर पैर रखेगा, वो फिसल कर गिर सकता है। तो ये बिल्कुल एकदम गलत वाक्य है बच्चों। तीसरा है वो है, कक्षा में बुरा आचरण करना चाहिए? नहीं बिल्कुल बुरा आचरण नहीं करना चाहिए, कक्षा में हमें अच्छा आचरण करना चाहिए जिससे कि हमें सब अच्छा बताएं, हमें एक अच्छे बच्चे की तरह रहना चाहिए। तो ये वाला बिल्कुल गलत है बच्चों, तीसरा वाक्य गलत है, इस पे हम गलत का निशान लगाते हैं बच्चों। चौथा वाक्य है बच्चों वो है, ऐसा कार्य करें जिससे देश की प्रतिष्ठा पर आँच आए। नहीं बिल्कुल ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए जिससे हमारे देश की प्रतिष्ठा पर आँच आए, हमें ऐसे कार्य करना चाहिए जिससे हमारी देश की प्रतिष्ठा बढ़े। तो ये वाला वाक्य भी आपका गलत है बच्चों, चौथा वाला भी गलत है। पांचवा है, घर का कचरा कूड़ेदान में डालना चाहिए। बिल्कुल सही, क्या घर का कचरा है वो इधर उधर नहीं फेंकना चाहिए, हमें कूड़ेदान में ही डालना चाहिए। तो जो पांचवा वाला है वो सही है। तो इसमें पहला और पांचवा सही है, दूसरा तीसरा चौथा गलत है। तो आप इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक चार को हल कर सकते हैं। बच्चों अब हम इस पाठ के भाषा अध्ययन के प्रश्न क्रमांक एक को हल करेंगे, जो है निम्नलिखित शब्दों का वाक्यों में प्रयोग कीजिए। जैसा कि हम यहाँ देख रहे हैं बच्चों, हमें कुछ शब्द दिए हैं जैसे आग्रह, दुर्लभ, गौरव, आघात, प्लेटफॉर्म, मुग्ध, वांछित इत्यादि। इन शब्दों को हमें क्या करना है बच्चों, इनके एक एक वाक्य बनाकर बताना है। तो हम देख लेते हैं इनका एक एक वाक्य किस प्रकार बनेगा। प्रश्न क्रमांक एक, आग्रह। वाक्य, मैंने अपने बॉस से बहुत आग्रह किया। दुर्लभ वाक्य, सोन चिरैया एक दुर्लभ प्रजाति है। आघात वाक्य, दुश्मन कभी भी आघात कर सकता है। प्लेटफॉर्म वाक्य, हमें प्लेटफॉर्म पर जाने से पहले ही प्लेटफॉर्म टिकट अवश्य लेना चाहिए। मुग्ध वाक्य, मीठी बोली पर हर कोई मुग्ध हो जाता है। वांछित वाक्य, वह ग्राहकों को वांछित दवाइयों को सावधानी और इत्मीनान होकर देता है। बच्चों इस प्रकार से आप ये वाक्य बना सकते हैं। बच्चों अब हम इस पाठ के भाषा अध्ययन के प्रश्न क्रमांक दो को हल करेंगे, जो है नीचे बनी तालिका में वर्ग का के सामने उनके विलोम शब्द वर्ग खा में दिए शब्दों से खोज कर लिखिए। तो जैसा कि हम यहाँ पर एक तालिका देख रहे हैं बच्चों, इसमें दो वर्ग हैं, एक है वर्ग का और एक है वर्ग खा। तो यहाँ पर हमें कुछ शब्द दिए हैं, उनके विलोम इस वाले वर्ग में हमें दिए गए, जिसका कि हमें क्या करना है, यहाँ पर है ना सही जो विलोम होगा उसमें वर्ग खा में से उसे सही विलोम को छांट कर हमें इस जगह पर खाली स्थान पर हमें लिखना है बच्चों। तो देख लेते हैं एक एक करके हम क्या सही विलोम क्या होगा। ताजा का विलोम होगा बच्चों बासी, दुर्लभ का विलोम होगा सुलभ, श्रेष्ठ का विलोम होगा बच्चों हीन, सुरुचि का विलोम होगा कुरुचि, स्वीकार का विलोम होगा अस्वीकार। इस प्रकार से आप इस प्रश्न को हल कर सकते हैं बच्चों। तो अब हम इस पाठ के प्रश्न क्रमांक तीन को हल करेंगे, जो है निम्नलिखित मुहावरों के अर्थ दिए गए हैं, मुहावरों का वाक्यों में प्रयोग कीजिए। जैसा कि हम यहाँ देख रहे हैं बच्चों, हमें कुछ मुहावरे दिए गए हैं, जैसे सिर ऊंचा करना, कलंक का टीका लगाना, प्रतिष्ठा पर आँच आना, इधर उधर की हाँकना। और यहाँ पर इनके बच्चों हमें क्या दिए गए हैं, अर्थ दिए गए हैं, जैसे सम्मान बढ़ाना, बदनामी करना, सम्मान घटाना, व्यर्थ की बातें करना। और इस जगह पर बच्चों हमें क्या करना है, यहाँ पर इनके एक एक वाक्य बनाना है। तो हम इनके वाक्यों को देख लेते हैं बच्चों। मुहावरा, सिर ऊंचा करना, वाक्य प्रयोग, जापानी व्यक्ति ने अपने श्रेष्ठ कार्य द्वारा अपने देश का सिर ऊंचा कर दिया था। मुहावरा, कलंक का टीका लगाना, वाक्य प्रयोग, मोहन ने चोरी करके अपने पिता के नाम पर कलंक का टीका लगा दिया। मुहावरा, प्रतिष्ठा पर आँच आना, वाक्य प्रयोग, सामू ने अपने बेटे से कहा कि शहर जाकर कोई ऐसा कार्य ना करना जिससे मेरे प्रतिष्ठा पर बात आए। मुहावरा, इधर उधर की हांकना, वाक्य प्रयोग।
वह हमेशा इधर उधर की हांकता रहता है। बच्चों इस प्रकार से इन मुहावरों के आप वाक्य बना सकते हैं। बच्चों अब हम इस पाठ के भाषा अध्ययन के प्रश्न क्रमांक 4 को हल करेंगे, जो है उदाहरण की तरह नया शब्द बनाइए। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, हमें एक उदाहरण दिया है हिंदुस्तान। हिंदुस्तान एक शब्द दिया है और इन्होंने इसका कर दिया है हिंदुस्तानी। इसी प्रकार से हमें और भी ये शब्द दिए हैं बच्चों, जैसा कि हम यहाँ पर देख रहे हैं, जैसा कि हमारा हिंदुस्तान का हिंदुस्तानी हुआ है, उसी प्रकार से हम इन शब्दों का भी नया शब्द बनाएंगे बच्चों। नेपाल का हो जाएगा नेपाली, भूटान का हो जाएगा भूटानी, गुजरात का हो जाएगा गुजराती, बंगाल का हो जाएगा बंगाली, पंजाब का हो जाएगा पंजाबी, तिब्बत का हो जाएगा तिब्बती। इस प्रकार से आप इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। बच्चों अब हम इस पाठ के भाषा अध्ययन के प्रश्न क्रमांक 5 को हल करेंगे, जो है वचन के अनुसार उदाहरण देकर क्रिया का रूप बदल कर लिखिए। जैसा कि हमें यहाँ एक इन्होंने बताया भी है करके का नंबर का, पुलिस ने एक चित्र बरामद किया और पुलिस ने कई चित्र बरामद किए। तो जैसा कि हम यहाँ देख रहे हैं कि वचन एक वचन के अनुसार एक जो क्रिया आई है वो उस तरीके की आई है और बहुवचन के अनुसार क्रिया अलग आई है। इसी प्रकार से हमें जो नीचे जो हमें वाक्य दिए हैं उन्हें भी वचन के अनुसार क्रिया को बदल कर लिखना है। बच्चों देख लेते हैं हम वो किस प्रकार से होगा। खा, बालक ने एक खिलौना खरीदा। बालकों ने खाली स्थान में आ जाएगा कई खिलौने खरीदे। ग, बालिका ने एक पुस्तक खरीदी, तो यहाँ आ जाएगा बालिकाओं ने कई पुस्तकें खरीदी। घ, रमेश ने एक पेन खरीदा, रमेश ने कई पेन खरीदे, खाली स्थान में आ जाएगा खरीदे। तो यहाँ जो वचन है उसके अनुसार क्रियाएं बदल गई हैं बच्चों। बच्चों अब हम इस पाठ के भाषा अध्ययन के प्रश्न क्रमांक 7 को हल करेंगे, जो कि इस पाठ का अंतिम प्रश्न भी है बच्चों। तो प्रश्न क्रमांक 7 है, नीचे दिए गए विशेषण शब्दों के सामने खाली स्थान पर संज्ञा शब्द लिखिए। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं हमें कुछ विशेषण शब्द दिए हैं और इसके सामने जो खाली स्थान है उन विशेषण शब्दों के हमें संज्ञा शब्द बनाकर इस खाली स्थान में लिखना है बच्चों। तो अब हम इस प्रश्न को हल करते हैं। जापानी का होगा जापान, प्रतिष्ठित का प्रतिष्ठा, व्यवहारिक का व्यवहार, मोहित का मोह। इस प्रकार से आप प्रश्न क्रमांक 7 हल कर सकते हैं।